से आपको अपडेट कर ले, लोहरदगा के पेशरार जंगल में फिर से लैंडमाइंस विस्फोट हुआ है। घायल जवान को रांची लाया गया है, मेडिका में एडमिट कराना है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट से लाया जा रहा है मेडिका। बताएं आपको कि आईजी विस्फोट में घायल हुआ है जवान। और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इमरान मौजूद हैं। इमरान, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि ट्रैफिक ना मिले और घायल जवान को समय पर मेडिका अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप? जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है एयरपोर्ट से लेकर के बिरसा चौक और बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से होते हुए रातू रोड चौक और रातू रोड चौक से हॉटलिप्स और उसके बाद रेडियम रोड होते हुए तमाम जो ग्रीन कॉरिडोर में तमाम जो लोग हैं करमटोली चौक होते हुए बरियातू रोड और उसके बाद जो है जो घायल जवान है उसे रांची के एसी मेडिका हॉस्पिटल लाने की तैयारी चल रही है। पूरी तरीके से एक तरह से कहा है तो अलर्ट है, तमाम जो लोग हैं वो अलर्ट है। संबंधित पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ हॉस्पिटल प्रबंधक ने पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली है ताकि अगर यहाँ पर जवान पहुंचे तो किसी भी तरह की किसी भी क्षण की किसी भी तरह की कोई देरी ना हो और उसे बेहतर उपचार के लिए फिर संबंधित डॉक्टर्स और उसके तमाम टीम के पास ले जाया जा सके। क्योंकि पिछले दो दिनों में दो विस्फोट की घटनाएं हुई हैं। एक विस्फोट में जहां नारायण दास और दिलीप कुमार जो है वो घायल हो गए थे और आज एक बार फिर से जब विस्फोट हुआ तो एक जवान घायल हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कितने अलर्ट है तमाम लोग जो हैं वो तमाम डॉक्टर्स की टीम का है या पुलिस की टीम का है, तमाम जो लोग सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं ताकि जब एम्बुलेंस जैसे ही इस जगह पे आएगा तमाम जो लोग हैं वो इसी रास्ते से अपने इमरजेंसी सेंटर्स पे लेके चले जाएगा जहाँ पर डॉक्टर्स की देख रेख में किया जाएगा। हालांकि जो ग्रीन कॉरिडोर के लिए जो सड़कें हैं उनको भी पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो खाली कर दिया गया है ताकि जब एम्बुलेंस यहाँ पर किसी भी क्षण में मतलब अब जो सूचनाएं मिल रही हैं कि करमटोली के बाद पास कर दी गई है और किसी भी दौर वक्त यहाँ पे ये एम्बुलेंस जो है ग्रीन कॉरिडोर वाला वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखिए ये पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है ट्रैफिक व्यवस्था, जो कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैफिक के जो जवान हैं जो लोग हैं मुस्तैद है पूरी तरीके से। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी रिम्स के पार करने के बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था उसे रोक दी गई है। दोनों सड़कों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट है राजा। चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी ये माना जाता है क्योंकि पिछले दो दिनों में दो विस्फोट की घटनाएं हुई हैं, दोनों ही उस वक्त हुई है जब झारखंड पुलिस को लोहरदगा पुलिस को सफलताएं मिली थी सीआरपीएफ के साथ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सल उसमें सफलताएं मिली थी। नक्सल के जो बंकर से उसे नष्ट किया गया था, वहां से जो सामान बरामद किए गए थे भारी मात्रा में, कई अन्य चीजें भी बरामद किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अगर हम देखें और समझे तो नक्सल ऑपरेशन की जब ये शुरुआत होती है ऐसे में ये कहा जाता है कि जो जनवरी फरवरी या मार्च का महीना होता है बहुत सेंसिटिव होता है आईडी विस्फोट में विस्फोट को लेकर के, क्योंकि बरसात के दिनों में जो नक्सल संगठन के जो लोग होते हैं ये लोग आसानी से जंगलों पर जो नक्सल ऑपरेशन धीमी पड़ने के बाद आईडी प्लांट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इन दिनों में जब जैसे ही फिर से ठंड का मौसम शुरू होता है नक्सल ऑपरेशन में गति होती है उसी दौरान ये सारी चीजें विस्फोट की घटनाएं में बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद झारखंड पुलिस ने बाखूबी इस पूरे ऑपरेशन को चला रही है और ना सिर्फ ऑपरेशन चलाया जा रहा है बल्कि नक्सलियों के बड़े बंकर और बड़े स्थानों को आसानी से ट्रैक किया जा रहा है और उस तक पहुंच करके ये सारी चीजें की जा रही है। चूंकि जब शुक्रवार को राज्य के डीजीपी से भी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी ये सारी जानकारियां दी कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो बंकर से जो साजो सामान मिले थे उसी के आसपास में ये जो विस्फोटक जो छिपा करके रखे गए थे उसी में जवान के पैर पड़ गया था, उसी दौरान ये सारे विस्फोट हुए। आज ये पूरी घटना कैसे हुई क्या कुछ हुआ जब यहाँ पे मौजूद झारखंड पुलिस के पुलिस पदाधिकारी पहुंचेंगे जवान से मुलाकात होगी उसके हालचाल को देखने के बाद जो जानकारियां निकल के आ पाएगी उसके बाद समझ में आ पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली है कि तीन दिनों में मतलब शुक्रवार और शनिवार की अगर हम बात करें दो दिनों में तीन जवान इस विस्फोट में घायल हुए हैं, दो में से एक का पैर में चोट लगी है नारायण दास जिनके फेस में चोट लगी है और इनको भी गंभीर चोटें आने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरह से हैं झारखंड पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जहां नक्सल ऑपरेशन चला रही है। नक्सलियों के जो गढ़ है लोहरदगा के बुलबुल जंगल जो कि माना जाता है रविंदर गंजू का पूरा इलाका है, रविंदर गंजू के इलाके को ट्रैक किया गया था उसी दौरान ये सारी चीजें की गई थी। तो अब तमाम जो लोग हैं अगर आप देखें मैं तस्वीरों के माध्यम से तो पुलिस के स्कॉट पार्टी हो या सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो तमाम लोगों के आने का जो सिलसिला है वो चालू हो गया है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि किसी भी टाइम यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो पहुंच जाएगी और ऐसे में फौरन उसे अंदर
हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, उसके बाद नक्सल ऑपरेशन चलाए जाएंगे। राजदा इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि पीएलएफआई और दूसरे जो संगठन के जो लोग हैं वो काफी है, माओवादी अलग से जो है, रविंद्र गंजू का दस्ता जो होता है वो अलग से एक्टिव होता है। सायरन की आवाज आ गई है, मतलब कि किसी भी देर में यहाँ से इसी रास्ते से ठीक हमारे सामने जो सड़कों को खाली कराया गया है, जवानों को लगाया गया है, वहां से तौरन फौरन यहाँ पर पहुंचेंगे और फौरन पहुंचने के बाद उसे फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाएगा। चूंकि ग्रीन कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बताया जाता है जब ग्रीन कॉरिडोर जब बनाए जाते हैं तो ग्रीन कॉरिडोर के दौरान जो लोग होते हैं, जो ट्रैफिक के जवान होते हैं, तो पहले ही मुस्तैदी से सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाती है कि वो किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है, एम्बुलेंस जो आएंगे उसे रोका जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो। एक एक क्षण घायल जवान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, इसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें। सदर डीएसपी की गाड़ी है जो कि खुद लीड कर रहे थे इसको, ट्रैफिक को, और इसके बाद ठीक मेरे पीछे में ट्रैफिक के तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ट्रैफिक के जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंच गई है। आप देख सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर में तमाम जो गाड़ियां हैं, दो दो ट्रैफिक यातायात की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थे। इसके पीछे में ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी मौजूद थी, उसके बाद सीधा सीआरपीएफ के जो एम्बुलेंस है, सीआरपीएफ का जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस से लाया गया है, सीआरपीएफ का एम्बुलेंस से यहाँ पे लाया गया है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं राजा की जो लोग है वो यहाँ पर लेकर के पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही थी, जिस तरह से जो चीजें थी यहाँ पर वो दिख रहा था कि घायल जवान को यहाँ पर लेके आया गया है। कहीं ना कहीं जो मुस्तैदी है वो देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं, और पहुंचने के बाद अब इसको यहाँ से उतारा जा रहा है, और उतारने के बाद सीधे घायल जवान को ओटी में ले जाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि ओटी में ले जाने के बाद ये सारी चीजें जो है वो देख रेख की जाएगी, क्योंकि क्या स्थिति है, कितनी चोटें लगी हैं, क्या कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो घायल जवान है उनको पैर में ब्लास्ट होने के बाद पैर जो है इंजर्ड हुआ है, मतलब जो दिलीप को आईडी विस्फोट होने के बाद, प्रेशर बम विस्फोट होने के बाद जो सारी चीजें दिखाई दे रही थी वही तस्वीर इसमें भी देखने के लिए मिली है। और यही तस्वीर आपको हम दिखाए थे कल भी कि किस तरह से जो लोग थे वो यहाँ पर जब पहुंचे उसके बाद फौरन उसे अंदर हॉस्पिटल ले जाएगा। जो लोग हैं सीआरपीएफ के तमाम जो टुकड़ियां हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको साफ तौर से बताना यही चाह रहे थे कि जो आईडी विस्फोट हुई उसमें पैर में काफी गंभीर चोटें लगी, मतलब इसमें भी साफ है कि जो प्रेशर बम था वो प्रेशर बम उनके पैर पड़ गया, उसके वजह से विस्फोट हुई जिसमें उनके पैर जो है, राइट लेग जो है, पैर जो है वो काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिकल हॉस्पिटल लाया गया। ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल किया गया था, ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जिस तरह से शाम ढलने के बाद खेलगांव के जो हेलीपैड है वहां पर लैंडिंग करने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, इसी वजह से इस जगह पर लाया गया है। तो फिलहाल अब डॉक्टरों की जो टीम है वो देख रेख कर रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या रहेगी, किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत होगी या फिर नहीं होगी, इन सारे बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल इमरान, और कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की झुंझलाहट है, बौखलाहट है, जिस तरीके से सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो कायराना हरकत है नक्सलियों की, ये झुंझलाहट बयां कर रही है उनकी। बिल्कुल राजा, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से झारखंड में अगर हम बात करें तो नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी घटनाओं को झारखंड पुलिस ने ना सिर्फ रोका है बल्कि उसके अंजाम को, जो उनके आईडी बम हो, प्रेशर बम हो, उन तमाम लोगों को बरामद भी किए गए, कई बार सफलताएं मिली है। चूंकि मैं इस बात को मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो जनवरी फरवरी मार्च का महीना होता है, कुछ जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं जो नक्सल ऑपरेशन के दौरान वो जंगल में अपने वक्त बिताए, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन लोगों ने ये सारी जानकारी दी थी कि ये जो वक्त होता है वो आईडी या प्रेशर बम के लिए काफी खतरनाक होता है। इस दौरान जब नक्सल ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है, काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसी का फायदा नक्सली संगठन के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, नक्सल संगठन के जो लोग हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह की घटनाएं हुई है, दो दिन में तीन जवान घायल हुए हैं, लेकिन सफलताएं इनसे ज्यादा बड़ी मिली है। कई बार चाईबासा ले लीजिए, गुदरी का इलाका ले लीजिए, खूटी का इलाका ले लीजिए, लोहरदगा का
यही इलाका ले लीजिए, इन तमाम इलाकों में माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ जो है कई बड़े सफलताएं मिली हैं, कई आईडी और दूसरे विस्फोटक सामग्रियां बरामद किए गए हैं, कई बंकर्स को नष्ट किया गया है, नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि जो जिस तरह से ऑपरेशन झारखंड में चल रहा है नक्सल को लेकर के काफी तेजी गति से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है, थोड़ी सी कमियां हो जाती है, खामियां हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो जवान है वो घायल हो जा रहे हैं। तो ये पार्ट ऑफ ऑपरेशन का हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये नजरिया हो सकता है, लेकिन झारखंड में नक्सल ऑपरेशन को काफी तेजी गति से नक्सल मुक्त झारखंड के करने की दिशा में झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के साथ कंबाइंड जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो काफी तेज गति से चल रहा है, इससे नुकसान नक्सलियों को काफी पहुंचा है। इस दौरान भले ही कुछ नुकसान झारखंड पुलिस को मिले हैं, लेकिन कई बड़ी सफलताएं जो मिली है उसे हम भूल नहीं सकते, उसको हम बता भी रहे हैं लगातार कि कब कब किस किस तरह से नक्सलियों पर दबिश बनी है। ऐसे में कई इलाके जो है अब जो है वो झारखंड पुलिस के सीधे टारगेट में है, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो, फोकस किए जा रहे हैं, गिरिडीह का इलाका हो, नक्सली ऑपरेशन में फोकस किए जा रहे हैं, चाईबासा और गुदरी का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर नक्सल ऑपरेशन तेजी से किए जा रहे हैं। लोहरदगा का बुलबुल पेशरार थाना क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन को तेजी से किया जा रहा है। तो साफ तौर से समझा जा सकता है कि झारखंड पुलिस का एकमात्र मकसद है कि झारखंड मुक्त जो नक्सल मुक्त जो नक्सलियों के गढ़ है उसको मुक्ति करना, वहां से अभियान चला करके तेजी से कार्रवाई करना, इन सारी चीजों पर दिखाई दे रही है। आप देखना होगा कि नक्सल अभियान के दौरान जो नुकसान झारखंड पुलिस को हुई है उसकी भरपाई झारखंड पुलिस के लोग नक्सल ऑपरेशन चला करके किन बड़े नक्सलियों को टारगेट में लाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों बड़े बड़े जो नक्सल हैं माओवादी हैं वो झारखंड पुलिस के ग्रुप में आए हैं, मार गिराए गए। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस सीआरपीएफ के जवान लगातार कैंप कर रहे, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। फिलहाल जो घायल जवान है उनकी स्वास्थ्य जो है वो जल्दी सुधरे, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, ऊपर वाले से भी हमारी यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, तो घायल जवान को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।